भाई पता है मुद्दा क्या होता है? अब तुमने अभी तुमने मैं तुम्हें कितनी चीजें गिनवा दूंगा, कितनी गिनवा दो, गिनवा दो, ठीक है बस दो ही गिनवा दो। नहीं आप ये गिनवा दो ना कितनी चीजें, क्या सारी गिनवा दो। आप ये सुनो मेरी बात, जिस हिसाब से आप बीजेपी पार्टी को मतलब बुरा कहते हो, मैं तो बीजेपी पार्टी का समर्थन करता ही नहीं, आप जिस तरीके से बीजेपी पार्टी का बुरा कहते हो, आपको ये नहीं लगता कि यार मतलब आप किसी से मिले हो, ये है वो है? मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपकी काफी मीडिया में काफी मतलब न्यूज देखी है, मतलब आप काफी अच्छे बोलते हो, ये वो है। तो लोगों का कहना है कि मोहित पैसों में आता है, ये है वो है, तो मेरे को भी डाउट आता है, तो मेरे साथ डाउट आप क्लियर करिए। एक बात आप मुझे बताइए जी, कोलकाता में किसकी गवर्नमेंट है? किसी की भी बोले आपको इतना नहीं पता क्या कोलकाता में किसकी इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूं? ये इज्जत मेरी मेरी इज्जत बचा, सुनिए मेरे को सुनिए एक मिनट, मेरी इज्जत आप ना बनाने वाले हो ना मेरी इज्जत को बिगाड़ने वाले, ठीक है ना? आप ये बताइए कोलकाता में क्या आम से कम कौन है यार? संबित पात्र आप एक बार बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट किसकी? आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब हूँ तो बताइए, वरना मना करिए, मुझे नहीं पता। तुम बता दो। अरे भाई मेरी बात सुनेंगे आप, पश्चिम बंगाल में किसकी गवर्नमेंट है? ममता बनर्जी की है या नहीं? टीएमसी की है या नहीं? टीएमसी की है या नहीं है? मैं आपकी तरफ पॉलिटिक्स में नहीं रहता। आप क्या करते हैं? आप क्या? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? एयरफोन का काम करता हूँ। किसका? एयरफोन। एयरफोन का काम करते हैं? कभी आप कहते हैं किसी न्यूज चैनल पे आके कि मैं ट्वेल्थ में पढ़ाई कर रहा हूँ, ट्वेल्थ में पढ़ाई कर रहे हैं, एयरफोन का काम कर रहे हैं? भाई दोनों कर रहे हैं, मोदी की सरकार। आपने ट्वेल्थ पढ़ाई? ट्वेल्थ आप कितने बार सुनी है मेरी बात? अरे बात आपकी सरकार कितने टाइम पहले मोदी सरकार? क्या ट्वेल्थ मेरी भाई चल रही है? किसकी? मेरी चल रही है, अभी तक चल रही है, बिल्कुल चल रही है भाई। अपना एक बार रोल नंबर बोलिए। ट्वेल्थ का तो सबका रिजल्ट आ गया, आप कह रहे हैं आपकी पढ़ाई चल रही है? मुद्दा यही क्या है देश में मेरे भाई? सुनिए भाई, सुनिए आप यंगेस्ट से, अरे सुनने का काम करिए, बोलिए सुनने का काम करिए। आपको पता है इस देश के अंदर हर दिन कितने लोग भूख से प्रभावित हैं? इस देश के अंदर आपको पता है एससी जीडी के अंदर अब की बार कितने क्वेश्चन गलत दिए गवर्नमेंट ने? आपको पता है सिविल सर्विस की भर्ती कितने टाइम से नहीं हो रही है? आपको पता है इस देश के अंदर बेरोजगारी का क्या आंकड़ा है? आपको पता है खत्म हुई है क्या? आपको पता है करप्शन कितनी खत्म हुई है? करप्शन कितनी खत्म हुई आप बता दो भाई। एक बात बताऊं, अरे आप जो है करप्शन से केस बचा हुआ है? हाँ सरकार की वजह से बचा। अच्छा तो ये बता दीजिए बाकी जो देश है जहाँ पर मोदी जी नहीं है वहाँ का विकास हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, बर्बाद हो रहा, बर्बाद है भाई। तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती मेरे भाई, ये अनहेलती है, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। समझ रहे मेरी बात? अरे बता दीजिए, आपको आप ट्वेल्थ में पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। कहते हैं कि भाई काम भी करो मेहनत भी करो, ठीक है अगर तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ो भी काम भी करो, किसी को जो सिविल सर्विस के एग्जाम नहीं निकले उनकी जिम्मेदारी आ जाते हैं सरकार में। 3,000 से ज्यादा लोग जो भूखे सोते हैं उनकी जिम्मेदारी आप लेंगे, मोदी जी दिलवाएंगे उनको रोजगार? अरे भैया सरकार दिलाएगी रोजगार, क्या सरकार सरकार के भरोसे बैठे रहो? 70 साल से सब सरकार के भरोसे तो बैठे थे। एसएससी का एग्जाम हमारे माँ बाप सरकार के भरोसे बैठे थे, एग्जाम छुट्टियों में देने जाए माँ बाप पे। एसएससी का एग्जाम की छुट्टी लगी किसने? मोदी अभी तो आया 2014 में, हमारे माँ बाप की भी गवर्नमेंट छोड़ने लगी हमारे। ये एसएससी का मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़े कि 3,000 से ज्यादा लोग जो भूखे सोते हैं, हंगर इंडेक्स में ग्लोबल 100 ने, पता आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? आप पता है आपको ग्लोबल हंगर नेगेटिव चीज देख रहे हो? आप नेगेटिव चीजें तो पॉजिटिव चीज आप देख रहे हो? चलिए क्या नहीं है मुझे सुनने की आदत है, मैं सुनता हूं। आप सुनाइए पॉजिटिव, आप ये बताइए कि अरे मैं तो मेरे से पूछे पॉजिटिव चीजें की नहीं है माइंड में बैठा था नाम बोल रहा था काम तो कृषि कर रहे थे और आंदोलन चल रहा है उसके बाद पहले एक मिनट रुकिए मोदी जी के एयर बेटे मिनट रुकिए इनसे पहले मोदी जी के पॉजिटिव अरे अरे बैग स्क्रिप्ट भाई बैग स्क्रिप्ट अरे ठीक है एक मिनट रुके आप ये गिराइए मोदी जी के पॉजिटिव फायदे आप मोदी जी के पॉजिटिव फायदे गिराइए क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ भाई शिक्षा अच्छी हुई शिक्षा अच्छी हुई बिल्कुल कहाँ अच्छी हुई बताइए भाई काम नहीं हुई इनका बजट भाई एजुकेशन का बजट एजुकेशन का बजट एजुकेशन का बजट अरे भले मैं आपको गिनवाने को तो मैं इतने कह दिया शिक्षा अच्छी है बताइए भाई दिल्ली में हुई है मोदी जी की सरकार हुई है यूपी में हुई है मोदी जी यूपी में हुई है यूपी में 3 साल से स्कूल नहीं खुले यूपी में स्कूल नहीं खुले आप शिक्षा बेहतर हुई है अरे साल में मोदी भाई स्कूल से ट्रेनर लेके आए हैं झूठ बोलने की मेरे पास है भाई मैं तुम्हारे को हुआ तो सुन ले के दूसरा गिनाइए दूसरा गिनाइए दूसरा गिनाइए 70 साल में सबके कपड़े घिस गए सबके पैर घिस गए सबके कपड़े घिस गए हाथ घिस गए कलम घिस गए घिस गए कि राम मंदिर बनेगा अच्छा अच्छा फाइनली बन चुका अच्छा अब खुशी किसी को आ गई आप सुन रहे हैं अरे अरे बात राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया है वरना जिस तरीके से 3 तलाक का मुद्दा पार्लियामेंट से पास होता है ना 3
300 सांसद के बहुमत से, वैसे ही 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के दरवाजे के चक्कर क्यों लगाने पड़े? सवाल का जवाब दो। बीजेपी ने बनवाया राम मंदिर? हमने? किसने? किसी के भरोसे नहीं भाई, अभी तो हमने भाई बीजेपी जो भाई चिल्ला क्यों रहे हो? सुनो मेरी बात, सुनना है मिली। दूसरी बात, इन्होंने बोला राम मंदिर, अरे देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके लिए 10 रुपए का चंदा देंगे? अरे देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, सरकार है जो हिंदुओं की सरकार अपने आप को बताती है, वो राम के नाम पे चंदा मांगती है नया संसद बनाने के लिए, पीएम कार्यालय बनाने के लिए, कोई चंदा नहीं, और राम के नाम पे चंदा, किसान बैठा हुआ, इसको किसने चंदा दिया है? ये बैठा हुआ आपको अच्छा लगता होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई, अच्छा नहीं लगता तो ये मोदी जी से कहते क्यों भाई? सुनो मेरी बात, क्या सुनो आप ये कह रहे हो? और फायदे की नहीं, आप सुनिए माइंड, ये सुनिए, ये ऐसा है सीधी सी बात, समर्थन में भाई, मैं चिंता मत करो किसी, ये किसानों के समर्थन में, किसान को आपके समर्थन से कोई फर्क नहीं है, देश की जनता इनको समर्थन देने वाली है, देश का प्रजातंत्र इन्हें समर्थन देने वाला है, और आपके या आपकी सरकार के किसी नेता की कहीं औकात नहीं है जिनके हाथों को खरीद सके? सुनिए, अरे सुनने का दम रखिए, सुनने का दम रखिए, ये हाथ जो देख रहे हैं इनकी तो हाथ चुक रही है, ये घर में बैठ के या फिर वो पीएम कार्यालय में बैठ के नहीं हुई, इन्होंने पैसा अपना सींच के जब सुबह 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यालय में बैठे होते हैं ना, तब ये उठकर देश की जनता के लिए पेट भरता है, और दुर्भाग्य इस बात का है कि आप जैसे लोग इसके हाथ का नाक खा रहे हैं और गाली भी इसी को देते हैं, इसीलिए कहता हूँ समझिए, दो फायदा आप गिना चुके हैं और जो दोनों ही आपके गलत है, तीसरा फायदा गिनाइए, एक बार संबित पात्रा से करिए मुलाकात, गिनाइए तीसरा, ठीक है पूरा इंडिया पूरा देश कहता, सुनो मेरी बात, तीसरा भाई आपका फायदा गिनाइए, घुमाइए मत ये बिल्कुल राउंड राउंड, तीसरा फायदा गिनाइए भाई, मैं तो तीसरा फायदा बताऊं कि भाई कल तक का टाइम जीएन जो होने की बैटरी डाल देंगे, पढ़ाई लेके बैटरी डाल देंगे, बस ज्यादा देर तक ना दो, तीसरा गिना पूरा फायदा बता, तीसरा फायदा गिना दो, तीसरा फायदा गिनाओगे भाई, कोई गिना मात्र सुनो, तो सही पूरा देश कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति बननी है, उन्होंने पैसा वेस्ट करा, मैं तो अनपढ़ हूँ, आप एजुकेटेड हो, आप ये बताओ अगर 3000 करोड़ रुपए अगर पूरे देश में बांटे जाते तो कितने रुपए दें? करोड़ की आबादी है, 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति का जो रॉ मटेरियल आपने बताया उसको, ये सुनिए, ये संबित पात्रा वाले एक्शन जो डिबेट्स वाले ना, ये वहाँ लिखिएगा स्टेट खड़े होकर सीधे ये देश की आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़, और अगर 135 करोड़ नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? पहली बात तो ऑफिशियल If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.